चीन के राष्ट्रपति की भारत अमेरिका को धमकी, अगर हमारे खिलाफ साजिश रची तो नहीं बैठेंगे चुप। नमस्कार दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश चीन दुनिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए तमाम चाल चलता रहा है। उसका विवाद सिर्फ भारत से नहीं बल्कि अमेरिका, ताइवान, जापान, फिलीपींस, वियतनाम जैसे कई देशों से है। अब अमेरिका और भारत से ताइवान की बढ़ती दोस्ती से चीन भड़क गया और उसने सीधे सीधे भारत यूएसए को धमकी दे डाली है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अगर चीन के सुरक्षा हितों और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया गया या चीनी क्षेत्र को जबरन तोड़ने की कोशिश की गई तो हम खाली हाथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अगर देश के खिलाफ साजिश रची तो चीनी लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम किसी को भी चीनी क्षेत्र के अतिक्रमण या उसे बांटने की अनुमति नहीं देते। चीन का बयान ऐसे समय सामने आया है जब भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होने जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच 27 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली तीसरी 2+2 वार्ता में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टीएस पर दोनों देशों के बीच रक्षा सुरक्षा तथा वैश्विक रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के वास्ते उच्च स्तरीय वार्ता के लिए 26 और 27 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर होंगे। वार्ता में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बता दें कि पहली 2+2 वार्ता सितंबर 2018 में दिल्ली में हुई थी, जबकि दूसरी वार्ता पिछले साल दिसंबर में वाशिंगटन में हुई थी। तीसरी वार्ता ऐसे समय भी हो रही है जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले कई महीनों से तनातनी चली आ रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।